हेलो एवरीवन, दिस इज विशाल एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट आवर 18 प्रैक्टिस सेट ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन विच इज यूजफुल इन जेआरएफ एसआरएफ नेट एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन, इंडियन सोसाइटी ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन वाज एस्टेब्लिश्ड ऑन। सो इंडियन सोसाइटी ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन वाज एस्टेब्लिश्ड ऑन 22 जून 1964। तो इंडियन सोसाइटी ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन जो थी वो 22 जून 1964 को इस्टेब्लिश हुई थी। सेकंड क्वेश्चन, द फर्स्ट एक्सटेंशन एजुकेशन इंस्टीट्यूट इन इंडिया इज एस्टेब्लिश्ड इन। तो फर्स्ट एक्सटेंशन एजुकेशन जो इंस्टीट्यूट था वो नीलोखेरी में 1959 में इस्टेब्लिश हुआ था। टोटल 4 एक्सटेंशन एजुकेशन इंस्टीट्यूट है इंडिया में। सेकंड जो हुआ था वो हैदराबाद में था, और जो लास्ट था वो जोरहाट असम में था, और थर्ड था आनंद गुजरात में था। तो टोटल 4th एक्सटेंशन एजुकेशन इंस्टीट्यूट है। थर्ड क्वेश्चन, एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट रिक्रूटमेंट बोर्ड ASRB वाज इनिशिएटेड इन द ईयर। तो ASRB जो है वो 1963 में इस्टेब्लिश हुआ था। फोर्थ क्वेश्चन, विच KVK हैज़ मैक्सिमम नंबर ऑफ KVK इन इंडिया। तो जोन सेकंड जो है वो मैक्सिमम नंबर ऑफ KVK कंसिस्ट करता है। अब जोन को अटारी में कन्वर्ट कर दिया गया है एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन रिसर्च इंस्टीट्यूट में। फिफ्थ क्वेश्चन, विच KVK हैज़ मैक्सिमम KVK, विच स्टेट हैज़ मैक्सिमम KVK। तो UP जो है वो मैक्सिमम KVK को प्रेजेंट टाइम पे सबसे ज़्यादा जो KVK हैं वो UP के अंडर गए हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन, डिपार्टमेंट रूरल डेवलपमेंट वाज एस्टेब्लिश्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो रूरल डेवलपमेंट जो डिपार्टमेंट था 1931 में इस्टेब्लिश्ड हुआ था। सेवन क्वेश्चन, सेवाग्राम प्रोजेक्ट वाज स्टार्टेड बाय महात्मा गांधी इन द स्टेट ऑफ। तो सेवाग्राम प्रोजेक्ट जो था वो गुजरात में फर्स्ट टाइम पे महात्मा गांधी ने स्टार्ट किया था। एट क्वेश्चन, सर्वोदय स्कीम वाज स्टार्टेड इन 1948 बाई। तो सर्वोदय प्रोजेक्ट था वो आचार्य विनोबा भावे ने 1948 में इस्टेब्लिश किया था। जो इसका पर टाइम पे वर्ड जो कॉन्सेप्ट था वो M.K. गांधी ने दिया था 1945-46 में। नाइन्थ क्वेश्चन, द नंबर ऑफ विलेज इन विच इटावा पायलट वाज इन इटली स्टार्टेड इन 1948 वाज। तो 64 थे विलेज जिसमें सब टाइम फर्स्ट टाइम पे इटावा पायलट प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था। 10 क्वेश्चन, इन इटावा पायलट प्रोजेक्ट द हेडक्वार्टर वेयर इस्टेब्लिश्ड है। तो जो इटावा पायलट प्रोजेक्ट का हेडक्वार्टर था वो महेवा में स्थित था। 11 क्वेश्चन, नीलोखेरी प्रोजेक्ट वाज आल्सो कॉल्ड है। तो नीलोखेरी प्रोजेक्ट को मजदूर मंजिल बोलते हैं। नीलोखेरी प्रोजेक्ट 1948 में SK डे द्वारा चलाया गया था। 12 क्वेश्चन, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट वाज स्टार्टेड एज ए रिजल्ट ऑफ। तो कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट जो था वो ग्रो मोर फूड इंक्वायरी कमेटी रिपोर्ट के तर्ज पर इस्टेब्लिश किया या उसके बेसिस पे इसका इस्टेब्लिश किया गया। 13 क्वेश्चन, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम वाज ट्रांसफर टू द स्टेट सेक्टर ऑन। तो कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को 1 अप्रैल 1969 को हर मतलब स्टेट अथॉरिटी थी उसको स्टेट को ट्रांसफ़र कर दिया गया। तो 14 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम वाज डेवलप्ड ऑन द बेसिस ऑफ 10-point प्रोग्राम। तो इंटेंसिव एग्रीकल्चर डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम था जिसे जो 10-point बेसिस के पे स्टार्ट किया गया था। IADP को पैकेज प्रोग्राम भी बोलते हैं। 1960 में ये स्टार्ट हुआ था। 15 क्वेश्चन, द नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड NDDB वाज रजिस्टर्ड एज एन ऑटोनॉमस गवर्नमेंट सोसाइटी। तो NDDB जो 1965 में फर्स्ट टाइम में इस्टेब्लिश हुई थी। 16 क्वेश्चन, हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ वाइट रेवोल्यूशन इन इंडिया। तो वर्गीज कुरियन थे उन्हें फादर बोला जाता है इंडिया में वाइट रेवोल्यूशन का। 17 क्वेश्चन, द एजेंसी रिस्पॉन्सिबल फॉर प्लानिंग इम्प्लीमेंटेशन कोऑर्डिनेशन सुपरविजन एंड मॉनिटरिंग ऑफ IRDP एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल। तो डिस्ट्रिक्ट रूरल डेवलपमेंट एजेंसी थी जो कि IRDP का प्लानिंग करती थी, कोऑर्डिनेशन करती थी, सुपरविजन करती थी और मॉनिटरिंग करती थी DRDA। 18 क्वेश्चन, द टेक्निकल कमेटी वाज कंस्टिट्यूटेड इन 1993 टू रिव्यू ड्राफ्ट प्रोन एरिया प्रोजेक्ट प्रोग्राम DPAP एंड डेजर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम DDP अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ। तो CH हनुमंता राव कमेटी चेयरमैनशिप थे उस समय, उनके ही मेंबरशिप में DPAP एंड DDP कमेटी को प्रोग्राम को एनालिसिस करने के लिए कमेटी बनी थी। 19 क्वेश्चन, ऑपरेशन फ्लड इज रिलेटेड टू। तो ऑपरेशन फ्लड तो डेयरी डेवलपमेंट से रिलेटेड था। फर्स्ट टाइम पे ऑपरेशन फ्लड 1970-71 में फर्स्ट फेज का स्टार्ट हुआ था। 20 क्वेश्चन, इन 1995 द इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस ICA कांग्रेस वाज हेल्ड। तो जिनेवा में फर्स्ट टाइम पे हेल्ड हुआ था ये।
21 क्वेश्चन, द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन सेट अप रिजल्ट ऑफ रिकमेंडेशन ऑफ कमेटी टू रिव्यू अरेंजमेंट फॉर इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट क्रेसिफिकार। तो क्रेसिफिकार था 1979 में, इसी के बेसिस पे नाबार्ड की स्टेब्लिश की गई। 22 क्वेश्चन, द यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन ऑफ 1949 विच रिकमेंडेड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ रूरल सोसाइटी वॉज हेडेड बाई। तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन थे जो कि रूरल यूनिवर्सिटी को इस्टेब्लिश के लिए रिकमेंड किए, गवर्नमेंट को एज ए अपना जो था वो प्रपोजल दिए थे कि हर विलेज रूरल सोसाइटी में यूनिवर्सिटी, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का इस्टेब्लिश किया जाए। 23 क्वेश्चन, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन मैनेजमेंट मैनेज वाज सेट इन। तो मैनेज जो था वो 1986 में इस्टेब्लिश हुआ था। 24 क्वेश्चन, ए पर्सन हु ऑर्गेनाइज एंड रन से बिजनेस इंटरप्राइज इज रिस्पॉन्सिबल एंड मेक्स प्रॉफिट इज मोर परफेक्टली कर्ड। तो इसके ये पर्सन हो ऑर्गेनाइज एंड रूल रन से बिजनेस इंटरप्राइज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेक प्रॉफिट इज मोर, तो इसे हम लोग जो बोलते हैं वो एंटरप्रेन्योर बोलते हैं। 25 क्वेश्चन, द टर्म इवोल्यूशन इज ड्राइव फ्रॉम, तो टर्म इवोल्यूशन जो था वो लैटिन वर्ड से लिया गया। 26 क्वेश्चन, कापार्ड स्टैंड फॉर, तो काउंसिल फॉर एडवांसमेंट ऑफ पीपल एक्शन एंड रूरल टेक्नोलॉजी, कापार्ड 1986 में स्टार्ट हुआ था। 27 क्वेश्चन, कापार्ड इज एन ऑटोनॉमस विंग ऑफ, तो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट का कापार्ड ऑटोनॉमस विंग है। 28 क्वेश्चन, द हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल सर्विस फॉर नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च ISNAR लोकेटेड इन, तो नीदरलैंड में है इसका ISNAR का हेडक्वार्टर। NARM नेशनल अकेडमी फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च एंड मैनेजमेंट इज सिचुएटेड इन, तो हैदराबाद में इस्टेब्लिश है, जो फर्स्ट टाइम पे ARS के जो भी एस्पायरेंट होते हैं आप फर्स्ट प्री ट्रेनिंग यहीं से स्टार्ट होती है, इनकी नाम से ही। 30 क्वेश्चन, द फर्स्ट न्यूज़पेपर स्टार्टेड इन इंडिया वाज, तो फर्स्ट जो न्यूज़पेपर था वो बंगाल गजट था इंडिया में पब्लिश होने वाला। सो गाइस आज का जो हमारा 30 क्वेश्चन का सीरीज था वो एंड हुआ। नेक्स्ट जो हम करेंगे वो एक्सटेंशन पे ही 30 क्वेश्चन हम लोग सीरीज करेंगे। सो जितने भी आपके सीनियर जूनियर हैं प्लीज़ उनके बीच इसको शेयर करिए, जो भी आपके सजेशन है उसे कमेंट सेक्शन में राइट करिए। सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर लिसनिंग।